नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यस बैंक और यस बैंक निफ्टी से जुड़े स्टॉक्स के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे, पूरे यहाँ पर कवर करेंगे। जो मेन मेन स्टॉक्स हैं, यस बैंक को तो यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे यस बैंक में कवर करने से पहले आपके इंट्राडे की जो आपका डिले का जो काम होता है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू वन बाई वन यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सबको कवर करता हुआ नजर आऊँगा आपको। आज के दोस्तों काम की बात करें, सबसे पहले मैं यस बैंक की मैंने सुबह कॉल दी थी, जो कि 9:15 मैंने ये कॉल जनरेट की थी। 40:15 से बाई करना था, 41 का टारगेट रखा था मैंने, और आपको ये बुक भी करवा दिया था। 40:90 का इसने हाई लगाया था, ठीक है। उसके पश्चात मैंने यस बैंक की सेकंड कॉल भी दी थी, 40:50 से कॉल दी थी और वापस 41:50 का टारगेट लगाया था और 39:40 का स्टॉप लॉस लगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस नहीं आया है इसमें और लगभग लगभग 40 के ऊपर इसने 40 के ऊपर इंट्राडे के माध्यम से ये कटा है, ठीक है। 50 पैसे के लगभग ये डाउन में कटा है, लेकिन इसमें कोई स्टॉप लॉस अपना नहीं आया है। उसके बाद मैंने यस बैंक दोस्तों यस बैंक में और कोई कॉल नहीं गई थी, क्योंकि यस बैंक और कोई भी आपको पता है 1 रुपये में इसमें पूरा दिन भर पूरा निकाल दिया। 39:75 का लो है और 40:90 का हाई है, तो पूरे 1 रुपये में निकाल दिया, जिसमें अपने 1 रुपये का टारगेट सुबह सुबह इसमें ले लिया था, ठीक है। उसके पश्चात मैंने SBI का सेल दिया था और 322 के टारगेट दिए, लेकिन 322.50 तो 322.40 मैंने इसको बुक करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ लिख दिया था कि 322 का एक इसमें सपोर्ट है और वापस से 323 इसको मैंने बाय करवा दिया। तो बाय का टारगेट भी आपको देखने मिला, SBI का सेल का टारगेट मिला। पावर ग्रिड का आपको मैंने 197 से बनने बाय करवाया, तो 198 का टारगेट के आसपास गया और स्टॉप लॉस आपको मैंने कोस्ट टू कोस्ट करवा दिया। विप्रो का टारगेट दोस्तों आपको 100% पूरा टारगेट देखने को मिला है, जो कि 100% दोनों टारगेट आपको देखने को मिले हैं। उसके पश्चात दोस्तों आपको मैंने SBI का जो मैंने बाय का दिया था, दोनों टारगेट इसमें आपको 100% टारगेट बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। उसके पश्चात दोस्तों मैंने आपको एक्सिस बैंक का, जिसमें आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस आज के पूरे दिन में सिर्फ आपको एक ही स्टॉप लॉस देखने को मिला, वो एक्सिस बैंक का, ठीक है। RBL बैंक का फिर मैं आपको 348 से मैंने दिया, तो 100% टारगेट सक्सेसफुल देखने को मिला है, सेकंड टारगेट तक पहुंचा है, तो यानी कि बिग प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक आपको मैंने दिया इसमें, इसमें आपके टारगेट नहीं आए तो आपको 200 स्टॉप लॉस भी नहीं आया है और ये लगभग लगभग कुछ डाउन पे से ही है, कुछ डाउन इसमें कटा है, यानी कि जो आपको टारगेट के अनुसार आपको जो दिया गया था स्टॉप लॉस उसके अनुसार कटा, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं आया है। एक्सिस बैंक का मैंने दोबारा आपको 147 दिया था, ये भी इसके आसपास कुछ लगभग कटा है, टारगेट नहीं आया है। टाटा स्टील को मैंने आपको दिया दोस्तों, और टाटा स्टील का आपको 494 में बाय दिया, 496 टारगेट, 495 के प्लस प्लस आपको मैंने एग्जिट करवाया। तो कुल मिला के आज के टारगेट की बात करें, कौन कौन सिर्फ एक स्टॉप लॉस आया है और टारगेट की बात करें, एक आपका देख सकते हैं यस बैंक का टारगेट आया और SBI का सेल का टारगेट आया और विप्रो का टारगेट आया, SBI का बाई का टारगेट आया और RBL बैंक का टारगेट आया, ठीक है दोस्तों। तो अब कुल मिला के एक स्टॉप लॉस है, बाकी कुछ जो कॉल्स जो एक्टिव रहेगी तो इनमें से कुछ पॉइंट नीचे भी कटे हैं और पावर ग्रिड आपका कोस्ट कोस्ट कटा है। चलिए दोस्तों, मैं वन बाई वन सारे मैं स्टॉक्स कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यस बैंक को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। यस बैंक में दोस्तों यहाँ पे अगर पोजिशनल के माध्यम से मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इंटरनल एनगल्फिंग पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, देख सकते हैं। सारे स्टॉक्स को दोस्तों मैं पोजिशनल ही कवर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे सारे स्टॉक्स को मैं पोजिशनली यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। यस बैंक में दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे 42.50 का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यस बैंक में एक धमाका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 42.50 का वेट करें, पोजिशनली बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे के माध्यम से यस बैंक में अलग लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ दोस्तों पोजिशनली। वन मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चल रहा है, तो इसको मैं वॉल्यूम थोड़ा मैं कम कर देता हूँ इसका। ICICI बैंक में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं जिस प्रकार चार्ट का यहाँ पे मैं रीड कराऊँ, तो 555 को इसको ब्रेक करना होगा। 555 के बाद में इसमें बड़ा एक धमाका मिलेगा, जो कि 580 तक के टारगेट के लिए जा रहा है। अगर 530 को नीचे ब्रेक करता है ICICI बैंक, तो इसमें एक 520 तक का एक सार्फ नीचे डाउनफॉल दिखाई दे सकता है 530 को ब्रेक करने के बाद में। उसके बाद दोस्तों अपने स्टॉक कवर करते हैं SBI को, थोड़ा वेट करें चार्ट का। SBI 200 का 340 की अगर SBI 340 ब्रेक करता है, तो SBI 200 360 तक बड़ी फास्ट गति से भागने के लिए तैयार है। 340 को जैसे ब्रेक करेगा, 360 तक ये SBI टकराने वाला है। नीचे के लिए 200 इसको 310 को ब्रेक करना होगा। 310 को ब्रेक करने के बाद 290 तक के टारगेट ये SBI दिखा सकता है, ठीक है। उसको कोटक बैंक, सारे स्टॉक को दोस्तों फटाफट कवर कर रहा हूँ यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर सारे स्टॉक। कोटक बैंक दोस्तों यहाँ पे ये कल ध्यान देंगे, कोटक कल बड़ा मोमेंट कोटक बैंक कल दिखा सकता है। जैसे आज के हाई को कोटक बैंक ब्रेक करेगा दोस्तों 1725 और 1700
50 तक के कोटक बैंक दिखा सकता टारगेट, यानी कि कुल मिला के 1706 को जैसे कोटक बैंक कल ब्रेक करेगा तो 1725 और 1750 पोजिशनल एक या दो दिन के टारगेट हो सकते हैं, जो कि ये टारगेट बड़ी फास्ट गति से दिखा था वो नजर आ सकता है। ठीक है, नीचे के लिए अगर कोटक बैंक ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे 1700 नीचे के लिए काफ़ी नीचे इसको जाना होगा, लगभग लगभग 1750 के लगभग नीचे ब्रेक करना होगा, यानी 1650 को ब्रेक करना होगा, उसके बाद में नीचे की इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन कल इसमें टर्निंग पॉइंट है, 1706 को ब्रेक करने के बाद में ऊपर की सही क्वार्टर में दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक का आपको बता दूँ थोड़ा सा अपडेट, इंडसइंड बैंक का दोस्तों चार्ट पैटर्न बहुत ही यहाँ पे वीक और ख़राब यहाँ पे बन चुका है। इंडसइंड बैंक देख सकते हैं 1500 कहाँ था, 1600 के आसपास था, 1600 के आसपास से टूट तक लगभग लगभग 1400 के इसने क्लोजिंग दी है। तो कल ध्यान देंगे, अगर आज के लो को ये इंडसइंड बैंक ब्रेक करता है, ध्यान देंगे इंडसइंड बैंक आज के लो को ब्रेक करता है 1777 को ब्रेक करता है, तो इसमें 1760 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ये आसानी से। 1760 तक के टारगेट, ये सॉरी दोस्तों 1700 नहीं है, 1300 अगर 1777 को इंडसइंड बैंक ब्रेक करता है तो 1360 तक के इंडसइंड बैंक टारगेट दिखा सकता है। ऊपर के लिए दोस्तों ये अचानक से बाउंस पिक ले सकता है, जो कि यहाँ पे इसमें पैटर्न नहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार ये जो एक शार्प टूटा है तो अचानक से बाउंस पिक ले सकता है, जो कि 1350 के आसपास इस बाउंस पिक बन रहा है। 1350 और 50 के टारगेट दिखा सकता है अगर 1370 को ब्रेक करता है, उसके पश्चात यहाँ पे 1350 से बाउंस पिक इसका दिखाई दे रहा है। पीएनबी दोस्तों छोटा मैं स्टॉक्स को नहीं लूंगा, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं लूंगा, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को लूंगा मैं। एच डी एफ सी को दोस्तों यहाँ पे चार्ट जिस प्रकार के मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, तो चार्ट में कुछ अजीब अजीब तरीके से इसने चार्ट बनाया है, लेकिन यहाँ पे 1300 कोई एच डी एफ सी ब्रेक करता है तो 1320 तक इसमें टारगेट दिखा सकता है, और 1270 को नीचे ब्रेक करता है तो इसमें 1260 और 1250 तक के टारगेट दिखा सकता है। ओके दोस्तों, ज़्यादा मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, आरबीएल बैंक और कवर कर लेता हूँ, जो कि बड़ा स्टॉक्स है। आरबीएल बैंक दोस्तों अगर 300 यहाँ पे देखो ऊपर के लिए इसको जो जाना होगा वो इसको लगभग इसको 300 जैसे ही 375 को आरबीएल बैंक ब्रेक करेगा, लगभग इसमें 400 रुपये तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। नीचे के लिए आरबीएल बैंक दोस्तों आपको बता दूं 340 को अगर आरबीएल बैंक यहाँ पे ब्रेक करता है तो लगभग इसमें 330 तक के टारगेट नीचे के लिए दिखाई दे रहे हैं। ओके दोस्तों, सारे स्टॉक दोस्तों मैंने लगभग पूरे कवर कर लें जो मेन स्टॉक्स थे, और मैं यस बैंक के कल के इंट्राडे के यहाँ पे मैं पैटर्न यहाँ पे बता देता हूँ, इंट्राडे का क्या पैटर्न यहाँ पे बना है। इंट्राडे दोस्तों यस बैंक बिल्कुल एक रैली में काम कर रहा है, ध्यान देंगे जैसे 41.10 को यस बैंक ब्रेक करेगा, 41.10 को यस बैंक ब्रेक करेगा तो यस बैंक दोस्तों 42 उसके बाद में 42 से लेके और 42.50 पे इसका आपको गैप छोड़ना होगा, और 42.50 को जैसे ब्रेक करता है यस बैंक 245 के लग के टारगेट के लिए आप लेके जा सकते हैं। नीचे के लिए दोस्तों यस बैंक अगर आपको पता है 39.40 को नीचे ब्रेक करता है दोस्तों यस बैंक आपको फिर 38 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों मैंने सारी बता दी है, लेकिन ध्यान देंगे नीचे का मेरा जो कॉल्स है उसमें आपको मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, आप अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन बता दिए 39.40 को ब्रेक करता है तो 38 रुपये तक के टारगेट यस बैंक दिखा सकता है नीचे के लिए। ठीक है, लेकिन 41.10 को ब्रेक करेगा, ऊपर की सलाह मैं ज़्यादा दूंगा आपको, 41.10 को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे सीधे ही 42.50 और 42.50 को ब्रेक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट सीधा ही आपको दिखाएगा टारगेट लगभग 45 रुपये का टारगेट। ओके दोस्तों, जो भी सज्जन दोस्तों इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहें, छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं दोस्तों, आपको मैं ऐड कर लूँगा दोस्तों, उसके पश्चात दोस्तों आप भी पा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सज्जन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स से ना चुके। बाय बाय दोस्तों।